टोंक में कचहरी दरवाजे के पास रहने वाले बुजुर्ग की मौत को लेकर टोंक प्रशासन अभी भी असमंजस की स्थिति में है। अभी तक चिकित्सा विभाग ने कोरोना संक्रमण से बुजुर्ग की मौत की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, जबकि 12 अप्रैल को जयपुर में कोरोना बुलेटिन में टोंक में 60 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई थी। हालांकि जिला कलेक्टर के शर्मा ने बुजुर्ग के जनाजे में शामिल हुए 12 से 15 लोगों के सैंपल लिए हैं। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर के शर्मा का कहना है कि मामले में जयपुर से फिलहाल अभी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, इसकी मौत के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर टोंक पीएमओ नवेंद्र पाठक का कहना है कि जयपुर में जारी कोरोना बुलेटिन में बुजुर्ग की मौत कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बताई जा रही है। सर, अमीरगंज इलाके के अंदर मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री शेर खान उम्र 60 वर्ष का एक व्यक्ति था, जो 9 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ सादत अस्पताल के अंदर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर के। उसकी सोनोग्राफी के अंदर कुछ पेट में पानी भरने की भी शिकायत थी और उसकी वो डायबिटीज का भी मरीज है और हाइपरटेंशन का भी उसका इलाज चल रहा है। उसको यहाँ से जयपुर रेफर किया गया, जयपुर उसका सैंपल लिया गया, 10 तारीख को रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। उसके बाद में 11 को उसका दोबारा सैंपल लिया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, किंतु इस बीच वो वहाँ से उन्हें टोंक आ गया रिपोर्ट आने से पहले ही, और रात को 10:30 पौने 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई।